तुम में तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको बोलूंगा छपरी है, पन्नी चुगने वाला है, इसके बाड़ों में किसी ने पान थूक दिया है। भाई देखो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सच बोलने की नहीं है यार। और यार एक संस्कारी रोस्ट है भाई, देखो बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि एक रील्स के ऊपर रोस्ट निकालूं, मतलब प्रॉपर रोस्ट। ये वही वीडियो है भाई, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत ज्यादा सेक्सी होने वाली है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं इंस्टाग्राम की बकचोदी से। सबसे पहला नंबर आता है इंस्टा बायो। ये लोग अपनी इंस्टा बायो में इतनी बकवास बकवास चीजें लिखते हैं भाई, मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये इंस्टा बायो है या फिर ओवेसी की स्पीच। और भाई ये क्या बकवास है, तुम अपने बर्थडे को बोलते हो केक मर्डर डे। भाई ये कौन बताएगा, मर्डर तो उस दिन तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदों का भी हुआ था। और ये जो तुमने अपनी बायो में अपने लाइफ पार्टनर को मेंशन कर रखा है, भाई क्या तो तुम्हें उसमें बहुत ज्यादा भरोसा है, या फिर तुम्हारे घर वाले अभी तक नोकिया 3310 यूज कर रहे हैं। इसके बाद आता है इंस्टाग्राम का स्टोरी फीचर। भाई तेरे 312 फॉलोवर है यार, और तू लिख रहा है आस्क मी एनीथिंग, तेरे से क्या पूछूं, तू आंगनवाड़ी के पेपर में फेल हो चुका है। इसका मतलब ये दुनियादारी की तेरे को समझ नहीं है। अब रही बात तेरी पर्सनल लाइफ की, अगर तूने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब सच सच बता दिया ना, जो तेरे 312 फॉलोवर है ना भाई, उसमें सिर्फ 15 ही बचेंगे। और भाई उससे भी ज्यादा चूतिया लोग वो होते हैं जो अपनी स्टोरियों में लिखते हैं TBH, यानी कि टू बी ऑनेस्ट। भाई तुम्हें ऑनेस्टली जानना है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, मतलब तू इंस्टाग्राम पे सच्चाई की उम्मीद कर रहा है। भाई आजकल के लोग गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खा जाते हैं। और भाई ऑनेस्टली क्या बताऊं तुझे कि तू चूतिया है। मां चोट दी है भैया जी अब तो। तो भाई अगला नंबर आता है इंस्टाग्राम के पोस्ट फीचर का। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं उन लोगों के बारे में जो अपनी एक तस्वीर के 6 टुकड़े करके उनको अलग अलग पोस्ट करते हैं। भाई एक चीज बताना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पे बड़ी तस्वीर पोस्ट करने से तुम्हारी शक्ल नहीं बदल जाएगी, तुम भाई पहले भी चूतिया थे और अब भी चूतिया हो। और यार एक चीज बताओ, इतिहास उठा के देख लो, बंटवारा करने से कभी किसी का भला हुआ है, सिवाय 2 लोगों के। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और साले मेरे ऊपर केस मत करते, तेरी गांड फाड़ दूंगा। अब चलते हैं भाई इंस्टाग्राम की औलादों के पास। जी हाँ, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के पास। भाई देखो अगर तुमसे कोई रास्ते में मिले और पूछे कि भाई चूतिया कैसे दिखते हैं, चूतिया की डेफिनेशन क्या है, तो भाई उनकी प्रोफाइल दिखा देना, वो समझ जाएगा चूतिया कैसे दिखते हैं। एक इन्फ्लुएंसर कहती कि यार मैं इतना ज्यादा बिजी रहती हूँ, मेरे पास खाना खाने तक का भी टाइम नहीं होता। तो दीदी एक चीज बताओ, अगर आप खाना नहीं खाती तो इंस्टाग्राम पे इतना हक कैसे लेती हो तुम। वैसे अगर इंस्टाग्राम से गवर्नमेंट की हेल्प हो जाती है, पहले सर्वे करना पड़ता था कि कितने लोग अनपढ़ है हमारे देश में, अब सिर्फ पैसों के फॉलोअर्स देखने पड़ते हैं। और यार मुझे इंस्टा की फीमेल मॉडल्स का समझ नहीं आता, मतलब 90-95% फोटोज में अपनी ये दिखाएंगी, और उनपे जाके कोई कमेंट कर दो कि नाइस बट, तो उनको बोलेगी कि भाई हमें हरास कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। भाई जब से जियो आया तब से मजदूर चौक पे खड़े होने वाले लेबर अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख रहे हैं DM फॉर पेड कोलैबोरेशन। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। हाँ तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है 2020 खत्म होने वाला है, और फ्लिपकार्ट पे चलेगी भाई 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक बिग सेविंग डे सेल्स, जिसके अंदर मोबाइल फोन बहुत ज्यादा सस्ते हैं, बहुत ज्यादा चीपेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही सस्ता है। और इस पे अगर आपको एक्स्ट्रा कैशबैक चाहिए भाई, डाउनलोड कर लो लेटी शॉप्स ऐप, मैं पहले बता चुका हूँ भाई ये एक कैशबैक एप्लीकेशन है और बहुत ही गैडी ऐप है। इसके अंदर 2000 से भी ज्यादा स्टोर है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो सारे इसके अंदर। और अगर अपने फोन में फालतू फंड का स्पेस नहीं घेरना तो भाई ये फालतू चीजें डिलीट कर दो और सिर्फ एक ही ऐप को रख लो इस लेटी शॉप्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके डाउनलोड कर लो। तुम्हें कुछ नहीं करना, ईमेल पासवर्ड डाल के रजिस्टर करना है। सपोज तुम्हें शॉपिंग करनी है फ्लिपकार्ट पे, सीधा फ्लिपकार्ट पे जाओ, तुम्हें सारे कैशबैक भी मिल जाएंगे, डिस्काउंट विस्काउंट सब मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कोई ऑर्डर कैंसिल करते हो तो भाई आपका कैशबैक भी कैंसिल हो जाएगा। अब भाई चलो इतनी भसड़ हो चुकी है, तो अब एक काम करते हैं, इंस्टाग्राम के आतंकवादियों पे नजर डाल लेते हैं एक बार। तुम ये देखो, भाई वो मैं साफ कर रहा हूँ ना, हंस हंस के मेरी गांड फट गई थी, और हंसी मुझे इसकी रील्स पे नहीं आई, हंसी भाई मुझे इसके माँ बाप पे आई। ये क्या जानवर पैदा कर रखा तुमने। अरे बेटो सकल अच्छी ना, कम से कम रील्स तो अच्छी बना लेगा। जो तुम ये बिना परमिशन के बंदूक दिखा रहे हो ये इंस्टाग्राम पे, भाई चीज बताता हूँ, इन जैसे चूतियों की वजह से फैजू भैया का धंधा बंद हुआ था, सॉरी टिकटॉक बंद हुआ था। और भाई वो दिन भी दूर नहीं है जब मोदी जी इंस्टाग्राम का भी जनाजा उठा देंगे कि बहन तुझे क्या दिखाने लग रहे हो तुम इल्लीगल चीजें। पुलिस आएगा ना,
माँ कसम भाई, दुनिया में क्रिंज के नीचे अगर कुछ होता ना तो मैं इसको उस कैटेगरी में रखता। हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। भाई तुम्हारी बहन को कोई छेड़ रहा है भाई, चलो भाई चलो भाई चल। भाई तेरी बहन जाके तू बचा, समझा? अबे रुक। बस कर रहने दे यार, तेरी कसम सुअर लग रहा है। अगर तू 2 मिनट मैंने और देख लिया ना तो भाई मां कसम कैमरे पे थूक दूंगा, और कैमरा बहुत महंगा है तो इसलिए प्लीज इसको बंद कर दे प्लीज। भाई जो गंदगी टिकटॉक पे थी सेम हमारे रील्स पे भी आती जा रही है, मतलब आ चुकी है एक तरीके से। जैसे ही इनके गंदा कंटेंट है ऐसे ही भाई इनके सेलिब्रिटी गाने बना रहे हैं। और एक चीज बताता हूँ भाई, जो तुम आर्मी को लेके इतने ज्यादा सेंसिटिव हो, आर्मी के टाइम पे भाई एकता कपूर की ऐसी करती थी, तुम यहाँ अब कहा हो? आतंकवादी जैसे गाने बनाए जा रहे, भाई इनकी गांड फाड़ दो ना जाके। मैं तो भाई देखो इतनी लिमिटेड ही गांड फाड़ सकता हूँ क्योंकि ये स्ट्राइक वराइक मार देंगे, मेरे को फिर चीजें पसंद नहीं है। तो भाई आपके ऊपर सारा काम छोड़ रहा हूँ, आप कर दो जो आपके हिसाब से जो आपको करना है। और भाई वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहीं कहीं आ गया होगा। बढ़िया बढ़िया मैं स्टोरी वगैरह डालते रहता हूँ तो वहाँ भी मेरे को फॉलो कर लेना, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। थैंक यू सो। और गाइस एक चीज़ और, फ्लिपकार्ट की सेल 22 दिसंबर तक है तो भाई लेटी शॉप से ऐप डाउनलोड कर लो और भाई खूब सारे पैसे बचा लो शॉपिंग करने से, मतलब कैशबैक ही कैशबैक, अपने सारी चीजें बचा लो, डाउनलोड कर लो लेटी शॉप से ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। गाइज आई नो आप लोग ये वीडियो देख के सोच रहे होंगे कि मैं इसको बोलूंगा पन्नी चुगने वाला है, छपरी है, इसके बालों पे किसी ने पान थूक दिया है। देखो भाई जो आप सोच रहे हो ना ऐसा ही बोलने वाला हूँ मैं, ये सारे दल्ले नहीं पता बहनचोद कहाँ कहाँ से पैदा हो जाते हैं भैया जी आप तो। और सारे केस मत करते, गांड फाड़ दूंगा, बीजेपी में हूँ बीजेपी में हूँ भाई। इसके बाद बात भाई अगला नंबर आता है इंस्टा का पोस्ट फीचर जो होता है। भाई एक चीज बताता हूँ, सबसे पहले मैं उन लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ जो अपनी तस्वीर के छह छह टुकड़े करके उनको अलग अलग अपलोड करें। भाई इसके बाद बात आता